नमस्कार, मैं हूं श्रीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नवंबर में लाया जा सकता है मराठा आरक्षण विधेयक। मराठा आरक्षण के मामले में राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक व्यापक कानून बनाने का फैसला किया है। संभावना है कि नवंबर में विधानसभा के विशेष सत्र में ये आरक्षण विधेयक लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उनकी सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के अनुसार बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को इस मुद्दे का परीक्षण करने के लिए कह दिया गया है। कमीशन 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। यह रिपोर्ट राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश की जाएगी और विशेष सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ मराठा आरक्षण आंदोलन की गति अब धीमी पड़ती जा रही है। मुंबई के आज़ाद मैदान में मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से बुलाए गए जेल भरो आंदोलन में मात्र 30 लोग हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी मोर्चे ने 25 जुलाई को मुंबई बंद का आह्वान किया था। इस बीच मोर्चा ने राज्यपाल विद्यासागर राव को पत्र देकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए कहा है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। उधर सरकार का कहना है कि मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है और सरकार बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मुंबई से विनय दुबे, खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।